Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I am Sarthak, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमी से अपने और आवर अपकमिंग एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक HCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द इकोनॉमी विच इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन दो टॉपिक्स को आज अंडरस्टैंड करेंगे. दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज विच विल बी गोइंग टू हेल्ड वेरी सून. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start our video with the current topic, which is liquidity adjustment facility. Okay, so ab hum jo topic dekh rahe hain usme aapko do words pe dhyan dena hai. Liquidity adjustment facility, in short it is called as LAF. now iske andar basically do cheeze hum dekhenge. वन इज रेपो रेट, अदर इज रिवर्स रेपो रेट. दीज टू टॉपिक्स, ये जो अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, बेसिकली इन दो प्रोसेस को ही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोला जाता है. राइट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड व्हाट आर दीज टू थिंग्स, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल सी व्हाट द वर्ड लिक्विडिटी इटसेल्फ मींस. व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी किस चिड़िया का नाम है? पहले तो ये देखते हैं, बहुत सिंपल है, राइट? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. लिक्विडिटी मतलब होता है कि कोई एसेट वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? उतना ज्यादा लिक्विड होगा. लिक्विडिटी का मतलब ये होता है द प्रोसेस टू चेंज वन फॉर्म, राइट? कि एक एसेट जो है वो कैश की फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं. अब जो सी चीज जितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है उतना ज्यादा लिक्विड होगा वो. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रॉपर्टी है घर में और एक आपके पास चेक है, आप प्रॉपर्टी को सेल करने जाओगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देन यू विल गेट रिसीव इन मनी इन फ्रंट इन एक्सचेंज ऑफ दैट. वेयर एज चेक को आप बहुत जल्दी एनकैश करा सकते हो, तो चेक विल बी मोर लिक्विड देन द सो कॉल्ड प्रॉपर्टी. एसेट दोनों है, दोनों के दोनों लिक्विडेबल है, दोनों के दोनों एसेट कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, बट चेक ज्यादा लिक्विडेबल होगा कंपेयर टू द प्रॉपर्टी. इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. सो ये होता है लिक्विडिटी. ओके, अब नेक्स्ट चीज है एडजस्टमेंट. नाउ व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट? लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है, मतलब कहां पर? मार्केट के अंदर, लाइक इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है, मनी सप्लाई जो चल रहा है, कितना पैसा घूम रहा है, उसको एडजस्ट करना, उसको कंट्रोल करना. इट इज द फैसिलिटी टू दैट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आरबीआई जो है, आरबीआई वो एक बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? एंड थ्रू दिस मॉनेटरी पॉलिसी इट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई वेयर इन द मार्केट. और ये जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, राइट? इस मनी सप्लाई को ही बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी पे मैं अलग से एक और वीडियो भी लेके आऊंगा, वेयर आई विल बी टेलिंग यू मॉनेटरी पॉलिसी. बट करेंटली आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आरबीआई बना रही है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है कंट्रोल मनी सप्लाई को, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है मार्केट के अंदर. कोई भी चीज एक्सेस में कभी अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज बहुत कम हो जाए वहां पर भी दिक्कत है. मनी सप्लाई का एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करके रखना होता है. सो वो चीज जो है आरबीआई का जो मेन टूल होता है उसके लिए, वो होता है ये LAF. That is LAF. And LAF means here, LAF के अंदर मतलब दो जो मेन टूल है उनके, रेपो रेट, बेसिकली रेपो रेट, नॉट इवन रिवर्स रेपो रेट, जो ये रेपो रेट है इसके थ्रू वो करता है इसको, किसको? लिक्विडिटी को एडजस्ट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दिस रेपो रेट इज ऑल अबाउट. सो अब हम पहले देखते हैं रेपो रेट को. लेट मी चेंज द कलर. ओके, नाउ रेपो रेट. बहुत इसमें भी ज्यादा हम चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करके एक इजी वे में समझना चाहिए हमेशा, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स. इको के अंदर क्या है कि आप चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो. जो एक ट्रैक पकड़ा हुआ है ना हमने, उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए पढ़ना है आपने, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी रहेगा, वरना आप क्वेश्चन के अंदर घूमते रह जाओगे. बिकॉज यहां पर एक जर्नलिस्ट चाहिए उनको, तो एक जनरल आइडिया हो, उसी जनरल आइडिया के हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन फ्रेम भी उसी के अकॉर्डिंग होती है इनफैक्ट. ऑलराइट, सो अब रेपो रेट क्या है? इट इज सिंपली ये एक इंटरेस्ट रेट है,
ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है जिस पे नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स है जो अपने SCBs, वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेते हैं, लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन। और अब लोन ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोलैटरल, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, राइट। तो यहां पर वो किसको रखेंगे, जी सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखते हैं एज कोलैटरल। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट की तरह कैसे होती है वो एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहां पर कैसे एक एसेट की तरह यूज किया जा रहा है, तभी तो कोलैटरल की तरह रख रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो रेपो रेट इज व्हाट, इट इज अ इंटरेस्ट रेट दैट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पेज टू आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म लोन दैट इट टेक्स फ्रॉम आरबीआई कीपिंग जीसेक एज कोलैटरल, दिस इज रेपो रेट। आई बात समझ में? सो दिस इज रेपो रेट। अब हमें यह चीज समझ में आ गई कि रेपो रेट है क्या चीज। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई पे करेगा किसको, अपना सॉरी जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे करेगा आरबीआई को। नाउ अब ये हमें देखना है कि इससे लिक्विडिटी एडजस्ट कैसे की जा रही है। मेन चीज आपके लिए वो है कि आप रेपो रेट से लिक्विडिटी को एडजस्ट कैसे कर रहे हो, आपको वो समझ में आना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या है, ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन या फिर मनी सप्लाई, लेट्स से कि मनी सप्लाई इट इज इंक्रीजिंग, ज्यादा है, इसको इन्फ्लेशन भी समझ सकते हो आप डेफिनेटली कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, हायर साइड पे। सो अब जो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है आरबीआई इसका यूज करके क्या कर टारगेट करेगी, वो इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करेगी, मतलब दे विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन। अब क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई का टारगेट रहेगा यहां पर, आरबीआई का टारगेट रहेगा कि जो लिक्विडिटी है इसको, लिक्विडिटी को टू ब्रिंग इट डाउन, ये आरबीआई का टारगेट रहेगा। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब ये इसको अचीव कैसे करेगा आरबीआई, हाउ विल अचीव करेंगे वो अपने एलएएफ से, एलएएफ के टूल से, बेसिकली रेपो रेट से। हाउ, अब वो करेंगे इसको अचीव रेपो रेट से। अब वो कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखो। ओके, अब रेपो लिक्विडिटी है ज्यादा, इन्फ्लेशन है हाई। सो अब लेट्स से कि आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अगर वो बोल दे कि हम भाई रेपो रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग रेपो रेट, हम रेपो रेट को कर रहे हैं इंक्रीज, सो व्हाट विल हैपन। रेपो रेट को इंक्रीज करने का मतलब है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो क्या कर रहे थे, लोन ले रहे थे इसी परसेंटेज रेट पे, किससे, आरबीआई से। तो उनके लिए लोन क्या हो जाएंगे, अब रेपो रेट बढ़ गया तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को जो लोन वो आरबीआई से ले रहे ज्यादा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सो लोन क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे इनके लिए, लोन बैंक्स के लिए क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, किससे, आरबीआई से। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को इन्होंने ऑलरेडी जो लोन आरबीआई से एक्सपेंसिव इस पे लिया, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लिया, ओके। सो फिर अब फर्दर यही शेड्यूल कमर्शियल बैंक मेन फंक्शनिंग इनकी कैसे होती है, आगे पब्लिक को लोन देके, राइट, सो दे विल गिव लोन, जो आगे जो पब्लिक में जो लोन देंगे ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, बिकॉज इनको अपने प्रॉफिट मार्जिन क्या करने होते हैं, बराबर रखने हैं। तो जहां पहले वो 8% इंटरेस्ट पे दे रहा था कोई बैंक लोन, तो अब उनको रेपो रेट बढ़ने की वजह से उनको बैंक को खुद ही वो लोन महंगा मिला है, तो उनके पास खुद ही जब पीछे से पैसा ज्यादा में एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो वो आगे जो 8% पे लोन दे रहे थे उसी को वो लेट से 10% पे देंगे या 12% पे भी दे सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो इनके लोन वो भी क्या हो जाएंगे आगे, एक्सपेंसिव। अब जनरल पब्लिक को जब ये लोन एक्सपेंसिव पड़ रहा है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है उस लोन के ऊपर, सो पब्लिक क्या करेगी, लेस लोन लेगी, कम पैसा लेगी आपसे। तो जैसे ही लोगों ने पैसा लोन कम लिया, तो ऑब्वियसली मार्केट में क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, और लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगा तो लिक्विडिटी विल कम डाउन, राइट। आई होप इतना समझ में आया होगा कि कैसे ये साइकिल चली है। रेपो रेट, अब लिक्विडिटी बढ़ी तो आरबीआई ने क्या करा, रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, जो बैंक है उनको उनके लोन क्या मिलेंगे, एक्सपेंसिव, उनको लोन पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है, हेंस लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे जो रेपो रेट के थ्रू वो लोन ले रहे हैं आरबीआई से। अब बैंक को खुद ही जब लोन महंगा मिले, तो आगे वो फर्दर जो पब्लिक के अंदर भी
वो जो पैसा देना होगा उनको, लोन देंगे तो वो भी एक्सपेंसिव देंगे क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखने हैं, राइट। सो इन दैट वे जनरल पब्लिक विल टेक लेस लोन्स। जब जनरल पब्लिक कम लोन्स लेगी, ओके, जब जनरल पब्लिक भी कम लोन्स लेगी तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई विल डिक्रीज। एक बार फिर से साइकिल रिपीट कर देता हूं कि जब मनी सप, जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने रेपो रेट को कर दिया इंक्रीज। अब इसकी वजह से क्या हो गया, एससीबी को जो लोन लिया है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने जो लोन लिए रेपो रेट के थ्रू, वो क्या हो गया, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। ओके, नाउ सो टू कीप प्रॉफिट मार्जिन सेम, टू कीप प्रॉफिट मार्जिन सेम, जो बैंक है जो ये लोन पीछे से लेके आए हैं, नाउ दिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये जो आगे पब्लिक को लोन देंगे, लोन टू पब्लिक, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, हाइयर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, विल चार्ज हाइयर इंटरेस्ट रेट, हेंस, अब हाइयर इंटरेस्ट रेट, हेंस लेस लोन्स, कम लोन्स लिए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई विल कम डाउन, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मार्केट के अंदर, राइट। आई होप ये साइकिल समझ में आई होगी। तो अगर इसका अपोजिट हो, लेट्स टेक द अदर वे, दूसरा सेकंड साइकिल भी देख लेते हैं इसकी, कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई क्या है, लिक्विडिटी क्या है, मनी सप्लाई, या फिर इसको आप लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं, राइट, लिक्विडिटी इज लेस, कम है, तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई विल डिक्रीज द रेपो रेट, आरबीआई रेपो रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब क्यों करेगा डिक्रीज, उससे क्या होगा, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनको जो लोन्स रेपो रेट के थ्रू ले रहे थे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो लोन्स ले रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, चीप, सस्ते लोन मिलेंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे, रेपो रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट ही तो है, आरबीआई कह रहे भाई हम कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहे हैं, ले जाओ हमसे, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या करेगा, सस्ते लोन मिलेंगे तो भी ले जाएंगे उनसे, और आगे फर्दर जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पीछे से सस्ते लोन मिल रहे हैं, ज्यादा पैसा लेके आएंगे वहां से, तो आप बैंक क्या करेगा, दिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये आगे जो पब्लिक को लोन देना है, लोन टू पब्लिक, राइट, लोन टू पब्लिक, वो भी क्या हो जाएगा, लेसर इंटरेस्ट रेट पे, लेस इंटरेस्ट रेट पे, मतलब चीप हो जाएगा, तो पब्लिक क्या करेगी, मोर लोन्स, पब्लिक भी लेगी, ज्यादा लोन लेगी, अब ज्यादा लोन लेगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सो लिक्विडिटी विल इंक्रीज, राइट। ऐसे साइकिल चलती है और इसी ट्रैक से सोचना है आपको, ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना, इसी ट्रैक पे रहकर आपको आंसर मिल जाएंगे। सिंपली जो मनी सप्लाई को कम करना है तो रेपो रेट को कम करेंगे, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो रेपो रेट को भी बढ़ा देंगे। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा, राइट। अब रिवर्स रेपो रेट, एक आपका और टॉपिक है अपना, रिवर्स रेपो रेट, देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज आपको रेपो रेट समझाना जरूरी था, राइट। रिवर्स रेपो रेट और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और कुछ कुछ फैक्ट्स हैं बेसिक, वी विल डील दैट विद इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड डोंट वरी, मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, आई विल बी टेकिंग दीज काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समहाउ, सो वो आपके लिए इजी करने के लिए आई विल बी कमिंग डाउन विद दीज काइंड ऑफ वीडियोस। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट कीप फॉलोइंग अभिमन्यु आईएएस, आप सिर्फ हमें फॉलो करते रहिए और ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आता रहूंगा, जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ईजी करने की ट्राई करूंगा कि आपको ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स बहुत ही ईजी वे में समझ में आए, राइट। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है, बेसिकली व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, स्पेशली मनी शुड नॉट बी इन हिंड्रेंस इन फ्रंट ऑफ यूर प्रिपरेशन, दैट इज माई सोल ऑब्जेक्टिव। इनफैक्ट अभिमन्यु आईएएस की पूरी टीम जो है इसी डेडिकेशन के साथ लगी होती है कि आपके एग्जाम के आगे कोई हिंड्रेंस ना आए, एंड फॉर दैट ओनली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड, ऑलरेडी एक बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमें ऑलरेडी एक एचसीएस का बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं, दिस ऑफलाइन बैच, राइट, 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। एंड लेट मी शो यू वन थिंग, दिस इज, although आई डोंट नीड टू शो यू दिस टेस्टिमनी बिकॉज अभिमन्यु आईएएस 25 साल पुराना, मोर देन 25 इयर्स हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, जो इंस्टीट्यूट है मोर देन 25 इयर्स से ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, वी हैव बीन एबल टू सिक्योर मोर देन 2200 प्लस सिलेक्शंस इन वेरियस स्टेट पीसेस एग्जामिनेशंस, और यूपीएससी के अंदर तो 4800 प्लस है, राइट। और दिस इज द 2023 एचसीएस एग्जाम,
2023 के अंदर जो हमारे एग्जाम के अंदर जो हमारे टॉप सिलेक्शंस है ये आपके सामने है. वी हैव बीन एबल टू गेदर 25 प्लस सिलेक्शंस. और ये सारी के सारी टेस्टिमनी के बाद आई एम कैन डेफिनेटली टेल यू कि अगर आप अभिमन्यु के साथ जुड़ेंगे तो आपकी पिक आपकी फोटो भी यहां पर नेक्स्ट सीरीज फ्रेम के अंदर हो सकती है. बिकॉज ये फ्रेम तो बनेगा. आई एम वेरी मच डेफिनेट अबाउट माई टीम जो हार्डवर्क पुट इन करके जो कंटेंट आपके सामने प्रिपेयर किया जाता है आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. राइट, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है. सो अ बैच हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1st of November. यू ऑफलाइन बैच है प्रॉपर फॉर HCS, डेडिकेटेडली फॉर HCS. यू कैन लॉग इन, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक भी होगा आपके लिए, वहां पर रजिस्टर करके इंक्वायरी नंबर भी आपके लिए ड्रॉप डाउन प्रोवाइडेड है. आप वहां पे कॉल करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं. व्हाटएवर क्वेरी यू हैव, व्हाट आई वांट टू टेल यू, जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी एचएस की प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कीजिए. बिकॉज एग्जाम किसी भी टाइम निकल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं. यस, आई कैन नॉट से द एग्जैक्ट डेट कि हाँ इसी डेट को निकलेगा, बट बहुत जल्दी हो जाएगा, इतनी एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ. राइट, सो विद दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड कीप फॉलोइंग अभिमन्यु IAS. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई वांट टू विश यू अगेन गुड लक. टेक केयर एंड बाय बाय.